ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दो ऐसे क्षेत्र हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करने का हम प्रयास करते हैं, एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ सेक्टर। मित्र, इसी वर्ष जो वाइब्रेंट समिट हुआ था, दुनिया के करीब 43 यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटीज यहां थी और उन्होंने गुजरात के साथ मिलकर के 21st सेंचुरी के लिए किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता है और किस प्रकार के नए एकेडमिक सिलेबस की आवश्यकता है उस पर बड़ी गंभीरता से सोचा और 23 से अधिक यूनिवर्सिटीज खास गुजरात की यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने एमओयू किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा एक नए क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी सर्वाधिक एमओयू हुए हैं, यानी सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं हो रहे, एग्रीकल्चर हो, पानी की व्यवस्था हो, हम विश्व में जो उत्तम व्यवस्थाएं हैं, विश्व में जो उत्तम अनुसंधान है, उन चीजों को गुजरात की धरती पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी का एक हिस्सा है कि 2009 में वाइब्रेंट समिट में जो एमओयू हुआ था वो काम आज पूर्ण होकर के आपको डेडिकेट किया गया। गुजरात सरकार ने बहुत बड़ी पूंजी लगाई है इसी क्षेत्र में काम करने के लिए और जैसे जयनारायण भाई ने बताया, इससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इससे भी ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हमने सूरत पसंद किया है और मित्रों, इस क्षेत्र में जाने का मुझे मन क्यों किया, एक बहुत ही दर्द भरी कथा है उसके पीछे। शायद इतने बड़े भवन में और इतने बड़े मशीन जो अंदर लगे हैं उसके पीछे जो दर्द है वो शायद किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आज अवसर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम गुजरात के लोग हैं, हम 6 करोड़ नागरिक साथ रहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे राज्य के ट्राइबल बेल्ट में, उसमें भी साउथ गुजरात का ट्राइबल बेल्ट, डांग, बलसाड़, तापी, नर्मदा, बलसाड़, उमरगांव, इस बेल्ट में ट्राइबल कम्युनिटी में जेनेटिकली सिकल सेल की एक बड़ी भयंकर बीमारी है। दुनिया एचआईवी से तो कांपती है, उसको पता है कि कितना भयंकर है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है सिकल सेल कितना भयानक, उस पीड़ादायक दर्द होता है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, अनेक सरकारें गुजरात में आके गई, ये सिकल सेल मेरी सरकार आने के बाद नहीं आया है। कैसे क्योर करना, कौन सी दवाई काम करेगी, उसमें अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन मित्रों, पुरानी किसी सरकार को पता तक नहीं था कि इस राज्य के अंदर इतने बड़े समूह को इस पीड़ा से अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये पहली सरकार है जिसने ये खोज के निकाला कि भाई हमारा ये समाज इस पीड़ा से कैसे, दर्द से जी रहा है, और तब से मन में ठा कि हम आधुनिक से आधुनिक विज्ञान को लाएंगे, संशोधन करेंगे, सामाजिक क्रांति के लिए प्रयास करेंगे और इन गरीब आदिवासियों को हमेशा हमेशा के लिए संकट से मुक्त करेंगे। हमने एक काम किया, एजुकेशन फील्ड में एक ये ट्राइबल बेल्ट के जो सिकल सेल फैमिलीज हैं उनके बच्चों का मेडिकल टेस्ट पहले ही कर लेते हैं, लाखों बच्चों का रेगुलर उसका काम हम करते हैं और बाद में
जब वो बड़े हो जाते हैं उनको हम समझाते हैं कि आप भी अपने मां बाप के कारण सिकल सेल के हेरिडिटरी आप पेशेंट हैं। भविष्य के लिए जरूरी है कि एक सिकल सेल का पेशेंट दूसरे नॉन सिकल सेल पेशेंट के साथ व्यक्ति के साथ अगर शादी करता है तो हम इसको 50% डाउन कर सकते हैं। मित्रों, आज मेरी सरकार ये काम उस ट्राइबल बेल्ट में कर रही है कि आप इससे शादी करो, इससे ना करो। आपको होगा सरकार को ये भी करना पड़ता है, औरों को नहीं करना पड़ता था, हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम इस दर्द से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और दूसरा, एक जब मैंने जाना कि स्टेम सेल के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकता है, और इसलिए अरबों खरबों रुपया सरकार की तिजोरी से खर्च करके सूरत में ये सेंटर हम खड़ा कर रहे हैं ताकि मेरे उन ट्राइबल बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इस भयानक पीड़ा से हम मुक्ति दिला सकें। और उस अर्थ में गुजरात में स्टेम सेल इस क्षेत्र का विकास ज्यादा जितना होगा, मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे। मित्रों, हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार से रिसर्च हो रहे हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना ली है, और जैसे जैसे ये सुविधाएं बढ़ती हैं तो नागरिक भी अब सुरक्षा को महसूस करता है तो बेपरवाह बन जाता है। अगर कार में एक्सीडेंट प्रोटेक्शन के लिए एयरबैग की व्यवस्था है तो ड्राइवर को मन करता है कैसे भी चला लो, कोई बात नहीं, एयरबैग है, बच जाएंगे। ये जो टेम्परामेंट धीरे धीरे बन रहा है वो बड़ा चिंता का विषय है। आरोग्य की सुविधाएं कितनी ही क्यों न बढ़े, लेकिन भगवान हमें उस सुविधाओं को लाभ लेने के लिए मजबूर न करें, ये देखना हम लोगों का दायित्व बनता है, एक नागरिक के नाते हमारा दायित्व। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा खुद को संभालने का जो स्वभाव सदियों से हमें विरासत में मिला है उसको हम ध्यान दें। मित्रों, एक मैं चाहता हूं स्टेम सेल के माध्यम से एक काम अगर हम रिसर्च करके करें, युद्ध के अंदर या आतंकवादियों के हाथों से इस देश की रक्षा करते करते या सामान्य नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए जो बम ब्लास्ट का शिकार हुआ हो, आतंकवादियों की या दुश्मनों की गोलियों का शिकार हुआ हो और उसने अपना कोई अंग खो दिया हो, सीवीआर के मित्र सपना संजोए कि हम देश में कहीं से शुरू करके इस स्टेम सेल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको वो अंग लौटा देंगे, उसको हम पूरा जैसा था वैसा बना के छोड़ रखेंगे। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये सब संभव है। उसका हाथ कट गया होगा, नया हाथ ग्रो कर सकता है। आइए दोस्तों, हम इस चैलेंज को उठाएं और देश के सुरक्षा के जवानों को, आतंकवादियों के साथ दिन रात लड़ने वाले जवानों को नई जिंदगी देने का काम इस अस्पताल के लैब में हम करें और देश की बहुत बड़ी सेवा करें। इस शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय